हेलो बच्चों, ये एक सवाल है मॉडर्न क्विज का, प्रोपोलेटिव इफेक्ट का। दिस इज़ अ वेरी गुड सम। सो इसमें दिया हुआ, कंसीडर ए वाइट लाइट जिसका स्प्रेड 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर है और इसका एनर्जी जो है वो दिया हुआ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस स्पेक्ट्रम, है ना। सो इसका मीनिंग क्या है ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसको अगर हम एक मेटल पे इंसिडेंट कराया है जिसका वर्क फंक्शन है 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, तो सैचुरेशन करंट दिया हुआ है आई, सैचुरेशन करंट आई नॉट फर्स्ट केस में, दैट इज कितना दिया हुआ है 6 मिली एम्पियर। इतना सैचुरेशन करंट इज 6 मिली एम्पियर। एंड देन अब क्या सवाल दिया है यहाँ पे कि नाउ द सेम इंसिडेंट सेम लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल बी जिसका वर्क फंक्शन है 2.48, तो उस केस में क्या होगा, करंट क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, ये सारी चीज़ें। मेनली करंट क्या होगा ये निकालना है। सो एक एजम्पन्स लिया है कि एज्यूम दैट फोटोन का जो इफिशेंसी है वो दोनों केस में सेम रह रहा है, मतलब कि जो भी सपोज कि 100 फोटोन अगर इंसिडेंट हुआ, वट एवर द एनर्जी जो कैपेबल 100 फोटोन्स है, तो उसमें से अगर सपोज 10 इलेक्ट्रॉन्स निकला है केस वन में, तो केस टू में भी 100 अगर फोटोन्स निकला है, 100 फोटोन इंसिडेंट हुआ तो 10 इलेक्ट्रॉन्स निकला है कैपेबल। सिमिलरली अगर 50 फोटोन्स या स्ट्राइक कैपेबल है 50 फोटोन्स, तो वो 5 निकालेगा। तो ये चीज़ कहा है, या जैसे एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे तो उसमें मोस्टली इफिशियंसी जो दिया जाता है 100% दिया, तो जितने फोटोन्स आया उतने इलेक्ट्रॉन्स निकला, बट एक्चुअली होता नहीं, बट इस एजम्पशन के साथ सॉल्व करते हैं। तो अभी सवाल ये है कि इसमें कैसे सॉल्व करें, है ना। तो केस वन का हम देखते हैं इस सवाल में। केस वन में जो वर्क फंक्शन है फाइ, दैट इज 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देख लेते हैं, लैम्डा नॉट फर्स्ट केस के लिए कितना होगा, 1240 डिवाइड बाय 1.55 करोगे, सो इट अप्रॉक्सीमेटली कम्स आउट एज अराउंड 800, एग्जैक्टली 800 आ जाएगा, है ना, 800 नैनोमीटर इसका थ्रेशोल्ड है। मतलब 400 टू 700 का ईच फोटोन इज कैपेबल टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ये पूरा स्पेक्ट्रम का सारे जितने भी फोटोन्स इंसिडेंट हुए, सारे फोटोन्स कैपेबल हैं निकालने के लिए, है ना, पूरा स्पेक्ट्रम यूज होगा इसमें 400 से लेकर के 700 तक सारे फोटोन्स। बट केस टू में देखते हैं, केस टू में व्हाट इज द वेवलेंथ लैम्डा नॉट टू, सेकेंड केस का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या है। सो एच सी बाई ई, एच सी बाई ई करेंगे, सो 1240 डिवाइड बाई 2.48, बहुत बहुत अच्छा सा नंबर दिया, 124 का ये डबल है, सो दिस कम्स आउट एज 500 नैनोमीटर। सो ये थ्रेशोल्ड है, 500 नैनोमीटर आ गया थ्रेशोल्ड। सो अभी अगर हम डिस्कस करें, ये 500 नैनोमीटर जो आया है इससे ज़्यादा वेवलेंथ वाले नहीं निकाल पाएंगे। सो अभी इसमें कौन सा है, सिर्फ 400 से 700 का हमने इंसिडेंट कराया, बट हमारे लिए काम का जो है 400 से 500 नैनोमीटर तक का है, इसी रेंज का होगा, है ना। सो इतने ही फोटोन्स कैपेबल हैं निकालने के लिए। सो इसमें ये पूरा था, 400 टू 700 था। तो इसमें अगर सपोज n1 नंबर ऑफ फोटोन्स है, तो इस केस में इतने में कितने फोटोन्स है ये निकालना। अगर मैं फोटोन्स निकाल लूँगा तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। सो हाउ मेनी फोटोन्स आर देयर। अब हम सवाल आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, कि जो एनर्जी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट कि अगर हम स्पेक्ट्रम लें, है ना, सो लैम्डा से डी लैम्डा, डी लैम्डा के बीच में जो एनर्जी है वो सबके लिए सेम है। लैम्डा से डी लैम्डा के बीच में एनर्जी जो है सबका सेम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एनर्जी, है ना। इट मीन्स दैट कि हम कहें कि अगर सपोज डी आई एनर्जी है,
डी लैम्डा में, तो डी आई बाई डी लैम्डा, डी आई इज द इनर्जी इन डी लैम्डा वेवलेंथ, लैम्डा से डी लैम्डा के बीच में, तो ये सम कांस्टेंट है, सपोज इसको लिख लिया ई लैम्डा, सो दिस इज कांस्टेंट। डी आई क्या है? टोटल इनर्जी फॉर द लाइट वेव इन द वेवलेंथ रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। सो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे। हमें निकालना है कि ये 400 से 700 में कितने फोटॉन्स हैं। तो अगर मान लो मैं छोटा सा भी इनर्जी लिया है डी आई इसमें, तो इसमें कितने फोटॉन्स हैं? डी आई टोटल इनर्जी है, और उस फोटॉन्स का एक का एनर्जी कितना है? एच सी बाई लैम्डा, चूँकि लैम्डा ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा में, तो इस इतने फोटॉन्स, एक फोटॉन्स का ये इनर्जी है, टोटल इनर्जी उस रेंज में डी आई है, तो ये हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स इन दिस रेंज। सो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट करना है। सो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, सपोज मैं N1 कहूँ, N1 तो वो कह रहा हूँ 400 से लेकर के 700 के बीच में हमें इंटीग्रेट करना है। सो N1 विल बी दिस। डी आई को क्या लिख सकता हूँ? ई लैम्डा, यहाँ से डी आई इजकल टू ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा अपॉन एच सी बाई लैम्डा, है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो ये आ जाएगा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, सम कांस्टेंट आएगा ई लैम्डा बाई एच सी इंटू लैम्डा डी लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर बाई टू, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। सिमिलरली अगर सेकेंड केस के लिए मैं कहूँ कि N2 कितना होगा, तो सेम वे में हम कहेंगे, सेम टर्म आ जाएगा इन सम कांस्टेंट लैम्डा स्क्वायर बाय टू, और लिमिट सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा 400 से 500 ही जाएगा, है ना। तो अभी हम अगर डिस्कस करें, सपोज N2 अपॉन N1, अगर मुझे लिखना है N2 अपॉन N1, तो ये कांस्टेंट फैक्टर और ये कांस्टेंट फैक्टर चला जाएगा, टू भी चला जाएगा, तो बचेगा क्या? एक्चुअली N2 बाई N1 कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली लिख रहा हूँ 5² - 4² डिवाइड बाई 7² - 4² बचेगा, दैट मीन्स 25 - 16 9 अपॉन 49 - 16 दैट इज 33, दैट मीन्स 3/11। सो जो जितने नंबर ऑफ फोटोन से स्ट्राइक किया है उसी के प्रोपोर्शनल में फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकला है, सो सैचुरेशन करंट में वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जितना निकला उसके प्रोपोर्शनल है। सो I2/I1 का रेशियो कितना हो जाएगा? 3/11, दैट इम्प्लाइज I2/I1 का कह रहा हूँ मैं, सो I2 इज इक्वल टू 3/11 I1। सो दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चंस, आई होप कि क्लियर।